हाँ भैया पता कहाँ गिर था? नहीं जब तूने पलटा, जब तूने गिर था पलटा लगा था उसको क्या वैसे गिर गया? चार चार जने थे, पांच बंदे खा के तुमने पलटा मार दिया। चलो एक सिलेंडर निकाल लो भाई। तो गिसर के गया वो, गिसर से जैसे घर तो कोना कर दिया, एक ऊपर तक पानी था, आज ऊपर तक पानी आ गया। नहीं पलटे खाता हो गया वो या गिसर के गया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो आज आए हैं हम हरियाणा के अंदर, करनाल जिले के अंदर। ये है चमारखेड़ा गांव, नज़दीक बिल्कुल यहां से चमारखेड़ा गांव है, बड़ा मशहूर गांव है। तकरीबन हम यहां डेड बॉडी निकालने के लिए आते हैं। तो एक ना हमारे पुराने मित्र हैं, SHO सिविल लाइन है, इस टाइम पहले वो जींद, पहले गढ़ी थाने के अंदर होते थे किसी टाइम। तो उनका कल रात कॉल आया था कि भाई किसी ने कोई ATM मशीन चोरी करके और नहर के अंदर डाल दिए, तो उन्होंने हमारी हेल्प की के लिए बोला है। तो उसके लिए आए हैं कुछ अपने दोस्त, आए हुए साथ में इनके पुराने मित्र हैं अपने ये भी। तो अब देखते हैं मशीन कैसी है, किस तरह की है। भाई को जो मुलजिम है उसको पकड़ के ला रखा है इन्होंने, तो मशीन हम निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा उसका। आ जाओ प्रकाश जी। देखिए शर्ट पड़े इसमें मैं खड़ा हूँ, नीचे तो नहीं है के नीचे तो नहीं दब गई मशीन। 3 महीने हो गए मशीन को, 3 महीने हो गए की पूरी गाड़ी पलट चुकी है। यहाँ बताइए, ये बता रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पीछे, थोड़े आगे पीछे तो नहीं है कहीं और, वो देख तो इस रास्ते के बिल्कुल सामने था। जो मशीन हम ढूंढ रहे थे वो मशीन हमें मिल गई है। ये देखो मैं मशीन के ऊपर खड़ा हूँ, अब कहाँ जाएगी यार, अब कहाँ जाएगी? मेरे पैर बच गया भाई, हैं रुक गई थी मशीन नीचे रही है ऊपर पड़ी। अरे मैं कह रहा अब कहाँ जाएगी, अब तो अपने पास आ गई। चलो बस ना, बढ़िया काम करा तुमने। उधर से पानी के अंदर अंदर है यार। एक बात बताओ, मशीन के ऊपर खड़े हुए तो मिल नहीं थी वो? नहीं खड़ा, कह रहा था मैं इसी पे जा रही।
निकला मशीन के दौरे जाके यही खड़ा मेरे ऊपर ही इसके आ गया। कहा हमारे को गुमराह कर रहा था वो। ये तो ऊपर ही पड़ी है, भारी पड़ी है, भारी पड़ी है। ये इतनी बस ही पानी नहीं पड़ी ऊपर ही। ये आ रहे थे ना सीधे, ये देखो मैं यहां से सुन लो, हमें क्या लग गया इतना पड़ने से ऊपर ही पड़ी है। तो अरे बैठ तो गलत बता रहा है, ये तो बड़ा मैं एड्रेस गलत बता रहा है बंदा। ये देखो ये पड़ी मशीन, मेरे मशीन में हाथ पकड़, ये रही मशीन जी हमारे हाथ में, ये देखो उठा के दिखा देते हैं। रुक जा एक मिनट, रुक जा, बड़ी सारी है रखी चाबी दे इस्लाम भाई। चल कोई बात नहीं, अब कहाँ जाएगी, अब टेंशन मत लो। सर मशीन का ऊपर हिस्से के अंदर तारा तूर आता है नीचे, अब मैं छोड़ूंगा उसके सिर पर गिरेगी। ये वजन वाला ही है क्या? बाहर है क्या, ये मैं रस्ता नहीं खुलने का। चलो 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 तो दोस्तों देख लो, ये एटीएम मशीन थी जो चोर द्वारा घेरी गई थी, उसको बाहर निकाल लिया गया। एपी कुमार के हाथ लगी, हमारा जो गोताखोर है एपी कुमार, और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 फुट के पानी के अंदर से 2 फुट की गहराई में पड़ी है। हम नीचे ढूंढ रहे थे, 4-5 गेड़े मार दिए थे पर मिली नहीं है। 2 फुट की गहराई के अंदर देखो मशीन यही पड़ी थी ऊपर ही। चलो 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 पर जहाँ मुलजिम ने मशीन बताई थी वहाँ नहीं मिली है, ये हमने अपने दिमाग से ढूंढी है। मतलब
इन्होंने जो जगह बताई थी वहाँ पे ये मशीन नहीं मिली, हमने अपने दिमाग से ढूंढी इसको। इसके ऊपर ना दोस्तों ये एटीएम आईडी होती है, ये देखो ये लिखी हुई यहाँ पे ये रही। और ब्रांच के कुछ लोग बुलाए गए हैं जिनसे इसकी शनाख्त कराई गई, तो इसका पता लगा बस स्टैंड जींद जो है, जींद का बस स्टैंड है हरियाणा में, वहाँ से ये एटीएम मशीन फाड़ी गई जिसके अंदर 19 लाख रुपए कैश था। और 5 लोगों ने ये मशीन फाड़ी थी और 19 लाख रुपए कैश निकालने के बाद जींद जिले से पाड़ने के बाद वो करनाल के अंदर यहाँ ला के फेंकी गई थी, यानी 19 लाख रुपए कैश है। और मुलजिम जो है वो 7 लाख रखा है वो खड़ा मुलजिम, और ये कुछ बैंक के जो लोग हैं जिन्होंने इसकी शनाख्त करी है, तो बैंक की जो है वो भी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर ली है, क्योंकि इनको एक आईडी होती है जो ऊपर लिखी हुई है, उस आईडी के तहत इसको पहचानते हैं। तो आईडी इसकी जो लिखी है उससे इन्होंने पहचान ली कि एटीएम कहाँ से है। तो इनका जो है ब्रांच को ये मिलते हैं भाई, नेट के ऊपर डालो कि भाई कहाँ कौन सा एटीएम कहाँ लगाओ, तो इनको पूरा डिटेल में जानकारी है। तो उसकी जो हेड ब्रांच है वो करनाल के अंदर ही है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी नज़दीक से जाए करनाल मुगल करनाल बता रहे हैं। इनकी जो हेड ब्रांच है मुगल करनाल के अंदर है, तो ये कुछ दो उन्होंने अपने सरकारी अधिकारी भेजे हैं जो बैंक से हैं, तो उन्होंने इसकी जा आगे शनाख्त करी है। एटीएम जींद से उखाड़ा गया, बस स्टैंड के पास है जींद, जींद बस स्टैंड के पास एटीएम उखाड़ा था, इसके अंदर 19 लाख रुपये कैश थे। और पैसे निकालने के बाद ये महिंद्रा पिकअप गाड़ी के अंदर लोड करके लाए और रात के टाइम बैक करके गाड़ी के अंदर और यहाँ से इसको पलट के नहर के अंदर चले गए थे। तो ये हैं दोस्तों 5 लोग बता रहे हैं इन्होंने जिन्होंने एटीएम निकाला था तकरीबन 19 लाख। कितने दिन हो गए एटीएम को लाए हुए? थोड़ा तेज बोलो। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कितने लोग थे जो इसको यहाँ लेके आए थे? 5। तो किस चीज़ के अंदर लेके आए थे एटीएम को? महिंद्रा पिकअप गाड़ी। कोई बात नहीं, 5 लोग थे दोस्तों ये महिंद्रा पिकअप गाड़ी के अंदर ले गए। कितने पैसे निकले थे एटीएम के अंदर से? 19 लाख रुपए। दोस्तों ये बता रहे कि 19 लाख रुपए कैश से निकले थे। जो केस के आईओ है हम उनसे बात करते हैं, वो इसके बारे में कुछ शायद जानकारी देते हैं। सर कैसे आपके हाथ लगा, कैसे पता लगा था ये मतलब एटीएम का? इन्होंने पहले ये सहारनपुर पकड़े गए थे, इन्हें पंजाब में भी वारदात की है, पंजाब से भी इन्होंने जो एटीएम था एटीएम की वारदात की थी, और हमारी वारदात करने पर इन्होंने अपना फर्दिंग साहब वहाँ लिखवाया हुआ था, तो हमने इसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आए जिसकी निशानदेही करवा के हमने एटीएम मशीन यहाँ से नहर से रिकवर कर ली है। तो दोस्तों ये हैं हमारे केस के आईओ जो जींद सिविल लाइन थाने से आए हुए हैं। तो इन्होंने मेरे को पटियाला पंजाब के अंदर कॉन्टैक्ट किया था, आशु भाई एक ना हमारे यहाँ से कोई चोरी होगी जींद जिले से और एटीएम उखाड़ा है जिसमें 19 लाख रुपये कैश थे, और उसको उखाड़ने के बाद में करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर काछवा रोड जो है, काछवा रोड करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ पे लाके इस मशीन के को डाल दिया है। तो जब हमने इसकी सर्चिंग करी तो ये जो शख्स है जो ये मशीन उखाड़ के लाया, ये थोड़ा सा घबराया हुआ था, कन्फ्यूजन में था, इसने हमारे को गलत निशानदेही कर दी, तो उसके कारण थोड़ी पुलिस भी कन्फ्यूजन में थी, लगातार कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो ये निशानदेही थोड़ा गलत कर रहा था। फिर भाई साहब से हमने जो है अपना कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह फिर हमने बोला कि हम जो सर्चिंग है शुरू से करते हैं। नहीं, हमें गोताखोरों की काफ़ी मदद मिली है, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, आपने प्रयास वहाँ पुल से शुरू करके कम से कम 200 मीटर तक सर्चिंग किया, आपके प्रयास से ही आज ये एटीएम रिकवर हुआ है। थैंक यू। वरना तो इसने निशानदेही तो थोड़ी आगे की थी, लेकिन आपने सर्चिंग बहुत अच्छी की है, आपने कम से कम 200-300 मीटर तक सर्चिंग की जिससे ये एटीएम रिकवर हुआ है। जहाँ से इसने जगह बताई थी हमने उससे 200 मीटर और पीछे से अपना एरिया शुरू करा, और उस 200 मीटर के बीच में ये मशीन मिली थी, सिर्फ महज 1.5 फुट की ऊंचाई पे, मतलब पानी में सिर्फ 1.5 फुट पानी के अंदर थी ये, और जो नहर की जो गहराई है वो 12 फुट पानी है तकरीबन, और 1.5 फुट की ऊंचाई पे ऊपर ये एटीएम मशीन पड़ी थी। हम नीचे ढूंढ रहे थे इसको काफ़ी टाइम से, फिर उसके बाद हमने ऊपर की सर्चिंग शुरू करी, शायद दीवार के ऊपर ना हो, तो जैसे ही हमने ऊपर की सर्चिंग शुरू करी हमने 3 सिलेंडर लगा के 3 गोताखोर लगे हुए थे। तो मेरे साथ जो है गोताखोर में मैं आपको नाम गिनवाता हूँ, शिलामू आ रहा है और ओम प्रकाश जी आ रहे हैं, शेरा आ रहा है, हैप्पी कुमार है मरिंडे से, तो आप मेरे को जानते हो आशु मलिक। तो तकरीबन हम 5 लड़के गोताखोर यहाँ आए हुए थे जो इस काम को अंजाम देने के लिए। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई सफलता हासिल हो जाती है, हम कोई चीज़ के लिए मतलब प्रयास करते हैं और वो मिल जाती है। मेन लक्ष्य जो हमारा है वो सिर्फ काम के ऊपर हम फोकस करते हैं कि भाई काम हमारे को क्या दिया गया, और हम उसको पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में उस काम को निभाते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को अभी यहाँ रोकना चाहूँगा, बाकी मेरे साथी जो होता है आशु मलिक का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपने आपकी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की और हमें यह सफलता मिली है, जो ये हमारा एटीएम 3 महीने से चोरी पहले हुआ था यह हमें रिकवर हो गया, आपकी टीम का मैं पूरा
पूरा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों जो बयान है हैप्पी कुमार जी, हैप्पी कुमार जी कैसे सफलता हासिल लगी? कि पहले जैसे कि हमारे सीनियर है जो भी आशु मलिक और ओम प्रकाश जी हैं, वो काफ़ी दूर से लंबी समय दूरी तय करते हैं पानी के अंदर अंदर, फिर कुछ समय के बाद उन्होंने रेस्ट ली थोड़ी सी की, फिर दोबारा कुछ दूर के बाद। तो दोस्तों ये हमारे हैप्पी कुमार जी, तो हमने क्या करा 200 मीटर की दूरी जब हम मैं और ओम प्रकाश जी गोते मारने हैं, तो फिर हमारे को थोड़ी थकावट सी महसूस की, उसके बाद मैंने शेरा को और हैप्पी कुमार जी को पानी के अंदर उतारा, तो इन्होंने थोड़ी सी सर्चिंग करते करते जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, तो जब ही हैप्पी कुमार का मशीन के ऊपर हाथ लग गया, जैसे हैप्पी कुमार का मशीन के हाथ लग गया तो हैप्पी ने मेरे को आवाज़ मारी और आवाज़ मारने के बाद बोला उस्ताद जी मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद फिर मैंने देखा, फिर मैंने ओम प्रकाश को बुलाया, ओम प्रकाश और मैंने मशीन को रस्सा डाला। हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस के जवान थे उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को जानकारी दी भी एटीएम मशीन मिल गई, उन्होंने हमें शाबाशी दी, धन्यवाद करा हमारा कि हम इस मशीन को 3 महीने से ढूंढ रहे थे, हमने विभिन्न इलाकों से और भी गोताखोर बुलाए, उनसे उन्हें सफलता हासिल मिली। हरियाणा से गोताखोर बुलाए गए थे, मेरे को ये नहीं पता कौन आया था, पर वो भी यहाँ पे बेचारे काफ़ी मेहनत करके गए हैं। फिर उसके बाद में हमें पटियाला डिस्ट्रिक्ट से बुला के हैप्पी कुमार मरिंडे से आए हुए हैं, तो फिर हमने ये सफलता हासिल करके और ये मशीन ढूंढ के दी। तो दोस्तों हमारी जो गोताखोर टीम है इसी तरह विभिन्न इलाकों के अंदर जगह जगह जाके, तो इसी तरह दोस्तों हमें विभिन्न इलाकों से फ़ोन आते हैं और हम अपनी इसी तरह अपनी टीम को लेकर निकल जाते हैं, और जो भी हमें काम मिलता है हम उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करके आते हैं। वो आप देखते ही हो, आप काफ़ी टाइम से हमें प्यार दे रहे हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आप हमें पेटीएम भी करते हो, गूगल पे भी करते हो, फ़ोनपे भी करते हो, आपके सहयोग से हम ये सारा काम करते हैं, और ये जो हम समाज सेवा कर रहे हैं बिल्कुल फ्री नहीं शुल्क करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते किसी भी, और इसी तरह हम समाज सेवा करते रहेंगे। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हमारा काम कैसा लगा बताना, ये मेरी जो टीम है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिए। तो इसी तरह दोस्तों जगह जगह गोताखोरों की टीमें बनी हुई है जो अपना अपना काम कर रही है, तुम्हें किस तरीके से किसका काम अच्छा लगता है उसी हिसाब से आप उसको लाइक कमेंट और शेयर करते रहा करो, ताकि गोताखोरों की हौसला अफजाई बढ़ती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। जय हिंद। नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।